ओम नमः शिवाय। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से शिव पुराण पूरा सुना रहा हूं। पूरी कथा जो है शिव पुराण की, इसके अंदर आपको सुनाई जा रही है। पहले दो दिन हो चुका है, आज डे थर्ड है। आज हम सातवां अध्याय शुरू करने वाले हैं। सातवां अध्याय है शिव निर्णय। महादेव जी बोले, पुत्रो मैं जानता हूं कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूं। तब भगवान शिव अपने नंदी पर आरूढ़ हो देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहां छिपकर वे ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखने लगे। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वर और पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वे युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने शुक्र रूप धारण किया और उसको देखने के लिए नीचे धरती पर चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु को स्तंभ का अंत नहीं मिला, अंत वे वापस चले आए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा, वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु आप सत्य बोलते हैं, अंत में आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूं। आठवां अध्याय, ब्रह्मा का अभिमान भंग। नंदिकेश्वर बोले, महादेव जी ब्रह्मा जी के छल पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दे। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका पांचवा सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर श्री विष्णु ने भगवान शिव की प्रार्थना की कि आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी का पांचवा सिर मिला था, अंततः आप इन्हें क्षमा कर दे। तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा को भैरव ने छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को देखने के लिए छल किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सत्कार स्थान व उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि उनका पांचवा सिर पूर्ण प्रदान करें। महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण न होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब तुम मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। तुम
तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा, इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। नवा अध्याय, लिंग पूजन का महत्व। तो इस नवे अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि लिंग पूजन का क्या महत्व है। नंदीकेश्वर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाले वस्तुओं को पुष्प वस्तु तथा अल्प काल तक टिकने वाली वस्तुओं को प्राकृत वस्तुएं कहते हैं। हार, नुपुर, क्यूर, किरीट, मणिमय, कुंडल, योगोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत, छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर तथा अनेक दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे, उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, पुत्रो, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप की या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यथोचित पूजा करेगा, वह मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करके मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं मार्गशीर्ष मास में आर्द्र नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिप्रदा को ज्योतिमय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। इस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था। अंतः लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकेंगे। इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिमय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। शिवलिंग के यहां प्रकट होने के कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा तथा यहां
बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे दो रूप हैं, साकार और निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्मा भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साक्षात रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप है। मैं ही ब्रह्म भर्म परमात्मा हूँ। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की बुद्धि वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र स्थित होने के कारण ही मैं सबकी आत्मा हूँ। स्वर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी पांच कृत्य है वे सदा ही मेरे हैं। मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट हो गया। मेरा सकल रूप मेरे ईश्वरत्व का और निष्कल रूप मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। मेरा लिंग मेरा स्वरूप है और मेरे समीप्य की प्राप्ति करने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा मेरे साथ एकत्व का अनुभव करता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वह जीते जी परमानंद की अनुभूति करता हुआ शरीर का त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो जाता है। मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गौण है। यह उन भक्तों के लिए है जो शिव तत्व के अनुशीलन में सक्षम नहीं है। दसवां अध्याय प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि पांच कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। सृष्टि पालन श्रृंहार तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी पांच कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुसिद्धर रहना उसका पालन है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे पांच कृत्य है। सृष्टि आदि चार कृत्य संसार का विस्तार करने वाले हैं। पांचवा कृत्य मोक्ष का है। मेरे भक्तजन इन पांचों कार्यों को पांच भूतों में देखते हैं। सृष्टि धरती पर, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन पांचों कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे पास पांच मुख हैं। चारों दिशाओं में चार मुख और इनके बीच में पांचवा मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन दो कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव कार्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष
मैं समय प्रदान करता हूँ। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार रूप से प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिमी मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकटीकरण हुआ है। इस प्रकार इन पांच अवयवों से ओंकार का विस्तार हुआ है। इन पांचों अवयवों के एकाकार होने पर प्रणव ओम नामक अक्षर उत्पन्न हुआ है। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र में व्याप्त है। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। यह मेरे साकार रूप का बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र से मार्तका वन प्रकट हुए हैं जो पांच भेद वाले हैं। इसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकटय हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्र से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। इस पंचाक्षर प्रवण मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। नंदकेश्वर कहते हैं, जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरवर्ती मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। तीन बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्यों के रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभो आपके साकार और निराकार दो रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित हैं, आप सबके स्वामी हैं। आप सर्व आत्मा को नमस्कार। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले हैं तथा आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य हैं। आपके पांच मुख हैं। आप ही परमेश्वर हैं। आप सबकी आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इन पंक्तियों से स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों को प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्र नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जाप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति में महाआद्र नक्षत्र में एक बार किया प्रणव जप करोड़ों गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पूर्ण वर्ष का शुरू का भाग होम और तर्पण के लिए सदा आद्र के समान ही है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातःकाल अर्थात मध्यकाल से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान है। फिर भी
मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए भगवान शिव के लिंग की पूजा की जाती है। इसलिए मनुष्यों को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का ओम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्व स्थापना करके या दूसरों से स्थापना करवा कर उत्तम द्रव्यों से पूजा करने से मेरा पद सुलभ होता है। इस तरह दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतधान हो गए। 11वां अध्याय, शिवलिंग की स्थापना और पूजन विधि का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए तथा उसकी पूजा कैसे, किस काल में तथा किस द्रव्य द्वारा करनी चाहिए? सुत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान से सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में नदी के तट पर ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ रोज पूजन कर सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस द्रव्य से पूजन करने से उपासक को पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। शुभ लक्षणों में पूजा करने पर यह तुरंत फल देने वाला है। जल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है, अचल प्रतिष्ठा हेतु बड़ा शिवलिंग अच्छा रहता है। शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग को पीठ, गोल, चकोर, त्रिकोण अथवा खाट की पाए की भांति ऊपर, नीचे, मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी अथवा लोहे से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ बनना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेषता है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग व प्रतिष्ठा एक ही तत्व से बनानी चाहिए। लिंग की स्थापना, लंबाई स्थापना करने वाले मनुष्य के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे कम होने पर फल भी कम प्राप्त होता है। तुरंत 12 अंगुल से लंबाई अधिक भी हो सकती है। चल लिंग में लंबाई स्थापना करने वाले के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, इससे कम नहीं। यजमान को चाहिए कि पहले वह शिल्प शास्त्र के अनुसार देवालय बनाए तथा उसमें सभी देवगणों की मूर्ति स्थापित करें। देवालय का गर्भगृह सुंदर, सुदृढ़ और स्वच्छ होना चाहिए। उसमें पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार हो। जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। 5 वैदिक मंत्रों द्वारा 5 स्थानों में पूजन करके अग्नि में आहुति दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मन चाही वस्तु से संतुष्ट करे। याचकों को स्वर्ण, ग्रह तथा भू संपत्ति तथा गाय आदि प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट कर 1 गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नांद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार
ओम का उच्चारण करके गड्ढे में पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करें। वहां परम सुंदर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए तथा भूमि संस्कार की विधि जिस प्रकार शिवलिंग के लिए की गई है उसी प्रकार मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है परंतु वह साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार शिवलिंग व मूर्ति द्वारा की गई महादेव जी की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली है। स्थावर और जंगम से लिंग भी दो तरह का हो गया है। वृक्षलता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कटी आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग की को सींचना चाहिए तथा जंगम लिंग को आहार और जल देकर तृप्त करना चाहिए। यों चराचर जीवों को भगवान शिव का प्रतीक मानकर उसका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना उस करके विविध उपचारों द्वारा उसका रोज पूजन करें तथा देवालय के पास ध्वजारोहण करें। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है। आह्वान आसन अग्र पाद पदांग आमचन संसार वस्त्र योगोपवीत गंध पुष्प धूप दीप नैवेद तांबूल समर्पण निरांजन नमस्कार और विसर्जन ये 16 उपचार हैं। इनके द्वारा पूजन करें। इस तरह किया गया भगवान शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी शिवलिंगों की स्थापना के उपरांत चाहे वे मनुष्य द्वारा स्थापित ऋषियों या देवताओं द्वारा अथवा अपने आप प्रकट हुए हो सभी को का उपयुक्त विधि से पूजन करना चाहिए तभी फल प्राप्त होता है। उसकी परमात्मा और नमस्कार करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का नियम पूर्वक ध्यान भी कल्याणकारी होता है। मिट्टी आटा गाय के गोबर फूल कनेर पुष्प फल गुड़ मक्खन भस्म अथवा अन्न से शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करें एवं प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्रों का जाप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव मंत्रों का जाप करें। इससे भी शिव पद की प्राप्ति होती है। जप काल में प्रणव मंत्र का उच्चारण मन की शुद्धि करता है। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार को कुछ विद्वान समान प्रणव कहते हैं। प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप अथवा दोनों संध्याओं को 1,000 जाप का शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी ब्राह्मणों के लिए प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अति फलदायक है। कलश से किया स्नान मंत्र की दीक्षा मातृकाओं का न्यास सत्य से अपवित्र अंतकरण ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु सभी को उत्तम माना गया है। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जाप करने से मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जाप करके मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश्वर को का पद प्राप्त कर लेता है। यदि 1,000 दिनों तक प्रतिदिन 1,000 जाप पंचाक्षर मंत्रों का किया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तो इससे अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल
1008 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र शिव पद की प्राप्ति कराता है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तियों का भी नियम से जाप करें। अन्य मंत्रों में जितने अक्षर हैं उनके उतने लाख जाप करें। इस प्रकार यथाशक्ति प्रदान करने यथाशक्ति जाप करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार यथाशक्ति जाप करने वाला जो मनुष्य है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। अपनी पसंद से कोई एक मंत्र अपनाकर प्रतिदिन उसका जाप करें अथवा ओम का नित्य 1000 जाप करें। ऐसा करने से पूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे लगाता है तथा शिव मंदिर में झाड़ने बुहारने का सेवा का कार्य करता है, ऐसे शिव भक्त को पुण्य क्रम की प्राप्ति होती है। अंततः समय में भगवान शिव उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी में निवास करने से भी योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आमरण भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। उस क्षेत्र में स्थित बावड़ी तालाब कुआं और पोखर को शिवलिंग समझकर वहां स्नान दान और जाप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह दशा मासिक श्राद्ध अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा अपने पितरों को दंड देता है वह तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है, अंत में शिव पद प्राप्त करता है। लोक में अपने वर्ण के अनुसार आचरण करने व सदाचार का पालन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से किया गया कार्य अभीष्ट फल देने वाला एवं शिव पद प्रदान करने वाला होता है। दिन के प्रातः मंध्या और साय 3 विभाग होते हैं। इनमें सभी को एक एक प्रकार के क्रम का प्रतिपादन करना चाहिए। प्रातःकाल रोजाना दैनिक शास्त्र क्रम मध्या सकाम क्रम तथा सायकाल भक्ति क्रम के लिए पूजन करना चाहिए। इसी तरह रात्रि में 4 प्रहर होते उनमें से बीच के 2 प्रहर निश्चित काल कहलाते हैं। इसी काल में पूजा करनी चाहिए क्योंकि यह पूजा अभीष्ट फल देने वाली है। कलयुग में क्रम द्वारा ही फल की सिद्धि होगी। इस प्रकार विधि पूर्वक और समयानुसार भगवान शिव का पूजन करने वाले मनुष्य को अपने क्रमों का पूरा फल मिलता है। ऋषियों ने कहा, सुत जी, ऐसे पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर लें, कृपया हमें भी बताइए। यह है ओम। अब 12वां अध्याय जो है हम नेक्स्ट अगले दिन इसका पाठ करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव।